हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आज हम आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसी टिप शेयर करने जा रहे हैं जिससे बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है। विंटर शुरू हो गया है और विंटर में ऐसा अक्सर होता है कि हमारी एड़ियां जो होती हैं वो बहुत फट जाती हैं। बहुत लोगों की एड़ियां तो इतनी फट जाती हैं कि उससे ब्लड तक आने लगता है और बहुत बड़ी बड़ी सी दरारें हो जाती हैं और उसमें काफी दर्द भी होता है। इतना सहनीय दर्द होता है कि उसमें सहना मुश्किल हो जाता है। आज हम उन्हीं समस्याओं का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगी, ये है ग्लिसरीन। इसको सभी लोग जानते हैं और अप्लाई भी आप लोग करते होंगे। सभी लोग उसको किसी न किसी रूप में अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन जो हम आज आपको फटी एड़ियों के लिए बताने जा रहे हैं ये बहुत ही कामगर, यानी कि 100% ये उपयोगी है। और आज जब इसे लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये हम आपके साथ ऐसे ही नहीं शेयर करने जा रहे हैं। इसको पहले हमने अपने पैरों पे अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पैर भी बहुत फट गए थे और मैंने खुद से सोचा कि मैं इसे क्यों ना लगा करके देखूं। तो मैंने जब 2-3 दिन लगाया तो मुझे बहुत आराम मिला। जब मुझे आराम मिला तो हमको लगा कि ये सब आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आज हम यही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही रामबाण उपाय है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। ना तो इसमें मार्केट जाना है, ना आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, ना आपको दवाइयाँ लानी है और ना ही कुछ इसमें लगाना है। बस ये 10 रुपए की शीशी आपको लानी है और आपके पैर एकदम चिकने चिकने से हो जाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एड़ी का फटना हर घर की प्रॉब्लम है। हर घर में किसी न किसी के पैर फटते जरूर है विंटर में। तो आप जब इसको शेयर करेंगे तो इससे किसी न किसी को फायदा होगा। आपके एक शेयर करने से अगर किसी का फायदा होता है तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। उसके लिए आपको अपने पैरों को अच्छे से साबुन से धुल लेना है। जब भी आप इसको अप्लाई करें, आप मॉर्निंग में अप्लाई करें या फिर रात में सोते समय करें, तो सबसे पहले आप अपने पैरों को साबुन से अच्छी तरीके से धुल लीजिए। ये देखिए, हम अपने पैरों को धुल करके आ गए हैं और धुलने के बाद आपको टॉवेल से अच्छे से इसको पोंछ लेना है। एकदम क्लीन कर लेना है। जब क्लीन कर लेंगे तो आपके पैर पे ये जल्दी से असर करेगा। तो हमने अपने पैरों को धुल लिया है और अच्छे से टॉवेल से पोंछ भी लिया है। तो अब आपको करना है, और थोड़ी सी ग्लिसरीन आपको कटोरी में निकाल लेनी है। बस आपको इतनी सी ग्लिसरीन आपको कटोरी में निकाल लेनी है, और इस तरह से थोड़ी सी कॉटन लेनी है और इस कॉटन में थोड़ी सी ग्लिसरीन को ऐसे लगा लेना है। और उसके बाद आप अपनी एड़ियों पे और पूरे पैर पे, आपके जहां भी फटे हैं पैर, आपके पैर जहां भी फटे हैं आप पूरे पैर पे इसको अप्लाई कर लीजिए, अच्छे से इसको लगा लीजिए। ये काम आप रात में सोते समय करें तो आपको बहुत फायदा करेगा। रात में सोने से पहले आप पैरों को अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद ऐसे ग्लिसरीन को लगा करके 5 मिनट के बाद जब थोड़ा सा ग्लिसरीन पैरों से थोड़ी सी सूख जाए फिर आप लेट जाइए। इसी तरीके से आप मॉर्निंग में करिए। मॉर्निंग में भी पैरों को आप अच्छे से साफ कर लीजिए और धुल लीजिए, उसके बाद आप टॉवेल से पोंछ करके आप ग्लिसरीन को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपके पैर 2-3 दिन में इतने स्मूथ हो जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपके पैर हैं। तो ये आप नुस्खा एक बार आजमा कर जरूर देखिए। हमने अपने पे पहले आजमाया है, क्योंकि हमारे पैर भी काफी फट गए थे, तो हमने ये खुद से ये अपने पे ट्राई किया है। उसके बाद हमको लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। देख सकते हैं कि देखिए मेरी एड़ियां बिल्कुल भी अच्छी हो गई हैं और बिल्कुल भी फटी नहीं है। आप इनको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही कामगर है और बहुत ही उपयोगी है। इसमें कुछ भी नहीं, खर्चा भी कम होता है और ना हमें कोई क्रीम लानी है, ना हमें कोई तरह की दवा लेनी है, ना हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, और ये बहुत ही जल्दी से इससे आराम मिल जाता है। तो ये आप नुस्खा एक बार आजमा कर जरूर देखिए।